रहीम, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अंजुमनी चौधरी और आप देख रहे हैं अंजुम फूड कॉर्नर। आज की मेरी रेसिपी है बीफ शामी कबाब। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे ये मेरे पास आधा किलो बीफ है बोनलेस, ये मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस बीफ है, और 200 ग्राम ये भिगोई हुई दाल है चने की। ये इसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। ये प्याज मीडियम साइज का, ये अदरक के 3 पीस, लहसुन के 2। ये अब इसमें जाएंगे खुशक मसाले। ये है गरम मसाला, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च वगैरह, और ये है सब्ज़ धनिया 1 टेबलस्पून। ये है इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक, ये शामिल करती हूँ। ये है सुरख मिर्चें साबुत। एक ग्लास इसमें पानी का जाएगा। हमेशा की तरह आज की अच्छी हदीस, जो शख्स सूरह वाकया पढ़े उस पर फकरो फाका नहीं आएगा। अब मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ 25 से 30 मिनट। माशाल्लाह से अब हमारा गोश्त जो है वो गल गया है, पानी भी इसमें नहीं है। अगर इस स्टेप पर पानी थोड़ा सा रह जाए तो आप इसको पहले खुशक कर लें। अब पानी नहीं है तो मैं इसको ना ये डंडे की मदद से कूटती हूँ। इसको अच्छे तरीके से कूटना है कि इसके रेशे बन जाए, ऐन बारीक करना है हर चीज़ को। मिक्सचर को डंडे से कूटने के बाद अब मैंने उसको ठंडा कर लिया है, और ये थोड़े से इसमें पुदीने और सब्ज़ धनिया के पत्ते मिक्स करती हूँ। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, ये लेसदार। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, हमें इसी तरह का चाहिए था ये मिक्सचर, इस तरह का बन गया। अब मैं ये मिक्स करके तो इसमें अंडा शामिल नहीं करूँगी, अंडा मैं फ्राई करते वक्त इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसको मिक्स करके तो शामी कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे शामी कबाब बनने स्टार्ट हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। अब मैं इधर हाथों का यूज़ करूँगी। माशाल्लाह से ये देखें, अब शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये सरसों का तेल है मेरे पास गर्म हो गया है, तो अब मैं फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बनकर तैयार होने वाले हैं। आप भी घर में ट्राई करें इसको, बहुत ही इजी मेथड है। बाज़ ख़वातीन को खदशा होता है कि हमारे शामी कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें। आप भी हेल्दी फूड घर में ही तैयार किया करें और बच्चों को दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्टी और क्रिस्पी शामी कबाब बन कर तैयार हो गए हैं। अब सर्विंग के लिए तैयार है। आप केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। खुद भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें। अल्लाह मेरे और आपके रिज़्क में इजाफा फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।